वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब ठीक हैं मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ अभी तकरीबन सुबह के साढ़े सात बजे का टाइम है जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है बच्चे स्कूल चले गए हैं मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया है और काम पे लग गई हूँ जो मेरा प्रीवियस व्लॉग था था ना उसके एक दिन बाद का ये व्लॉग है तो उसमें आपने देखा था कि बेटे ने मशीन के साथ ग्रास की कटिंग की थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं हुई थी कहीं से हुई कहीं से नहीं हुई तो वो गार्डन पहले से भी बुरा लगने लग गया था अब ये मशीन के साथ तो होनी नहीं थी इसका कोई और ही हल निकालना पड़ना था पहले मैंने सोचा कि सीज़र के साथ कर लेती हूँ लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है ना तो इतनी देर सीज़र पकड़ने से भी हाथ दर्द करने लग जाते हैं फिर यह नाइफ वाला तरीका मुझे ज़्यादा आसान लगा है तो मैंने सारी कटिंग इसी के साथ की है ज़्यादा काम मैंने कल शाम में कर लिया था लेकिन व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि लाइट अच्छी नहीं थी थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था कि सुबह के टाइम कटिंग भी हो जाएगी और व्लॉग भी बन जाएगा और अब यह काम ना और लेट नहीं हो सकता था क्योंकि ग्रास जगह जगह से सूखना शुरू हो गई थी मेरा काम और बढ़ जाना था कि नहीं मंगवाओ लगाओ मैंने सोचा उससे अच्छा है कि हिम्मत करके ना एक दो दिन में ये काम ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि हम इसे पानी नहीं दे रहे थे पानी देने से मट्टी थोड़ी नरम हो जाती है ना तो फिर मशीन या हाथ से काटने से ना ये जड़ से निकल आती है और जब तक मेरा कटिंग का काम ख़त्म हुआ है ना तो उस वक्त तक हेल्पर भी आ गई थी उसने फिर मेरे साथ काफ़ी काम करवाया है जो गार्डन के साइड्स वाली जगह है ना जहाँ पे पौधे लगे हुए हैं उसे इस तरह से मैंने मट्टी को अच्छी तरह खोद दिया था अंदर जो थोड़ी बहुत ग्रास थी वो निकाल दी और हेल्पर ने फिर सारी सफाई कर दी थी और उसके बाद हमने पानी दिया है और मशीन के साथ घास काटने का ये है कि मशीन फुल लेंथ में नहीं काटती वो थोड़ा थोड़ा करके काटती है तो उससे ये होता है कि बहुत कचरा हो जाता है जो कटी हुई घास होती है ना वो नीचे दूसरी घास में फंस जाती है वो फिर आम झाड़ू या ब्रश के साथ नहीं निकलती उसके लिए बांस वाला झाड़ू हो थोड़ा छोटे साइज़ का हो जो सख्त होता है ना वो वो उसके साथ फिर खींच खींच के निकालना पड़ती है तो बहुत टाइम लग जाता है ये गार्डन देखने में छोटा लग रहा है लेकिन हमें तकरीबन ना दो ढाई घंटे इसमें लग गए थे और अब मैं सोच रही थी कि मुझे मशीन से काटनी नहीं, नहीं चाहिए थी नाइफ के साथ मैं काटती तो वो काम ज़्यादा आसान हो जाना था और जल्दी भी हो जाना था तो खैर सफाई वगैरह के बाद हमने पानी लगा दिया था और कल शाम में मैंने जब कटिंग का, का काम किया है ना तो मैं इतना थक गई थी ना कि मैंने सोचा था कि बाकी का काम ना अब एक दो दिन बाद ही होगा लेकिन हम इवनिंग में जितने भी लेज़ी थके हारे बेड पे जा कर लेटे न हम माओं को मॉर्निंग में एक्टिव और फास्ट फॉरवर्ड होना पड़ता है वरना भाई घर नहीं चल सकता तो बस मैं भी फिर काम पे लग गई और जब भी मैं गार्डन को पानी देती हूँ ना ये सामने वाले को ये पीछे वाले को तो इस तरह जो छोटे छोटे परिंदे हैं ना ये आके नहाने लग जाते हैं अभी काफ़ी दिन के बाद दिया था ना तो ये इतना खुश हो रही थी खूब नहाई हैं उसके बाद दीवार पर बैठ के अपने पर पुर सुखाए और फिर उड़ के गई हैं और अभी गार्डन ऐसे ना सूखा और रूखा रूखा सा लग रहा है जितनी मैंने मेहनत की है ना उस हिसाब से देखने में अच्छा नहीं लग रहा था अभी काफ़ी दिन पानी दूंगी घास का अच्छा सा कलर आएगा फिर आपको दिखाऊंगी तो बस उसके बाद घर के दूसरे काम वगैरह किए हैं और अब ये दोपहर तो का टाइम है यहाँ पर मैं अपने और बेटी के कपड़े प्रेस कर रही थी क्योंकि हमने कुरान खानी पर जाना था बस उसके बाद फिर हम वहाँ चले गए थे लेकिन वहाँ पर मैंने कोई भी क्लिप्स वगैरह नहीं बनाए थे क्योंकि हर कोई कैमरा के सामने आने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता तो फिर अच्छा नहीं लगता जहाँ भी जाएं तो फ़ोन निकाल लें और रिकॉर्डिंग शुरू कर दें किसी और तरह का फंक्शन हो ना फिर और बात है कुरान खानी या मिलाद वगैरह हो तो फिर ये मुनासिब नहीं लगता तो बस उसके बाद फिर हमने आज मार्केट जाना था तो अभी वहाँ जा रहे हैं अब ये दोपहर के बाद का टाइम है कुरान खानी से वापस आके कुछ देर रेस्ट किया बच्चों को स्कूल का वर्क वगैरह करवाया और उसके बाद फिर हम मार्केट आ गए थे ग्रॉसरी करने के लिए यहाँ से सारा सामान लिया और बड़ा बेटा वापस घर आ गया था जब हमें मार्केट में ज़्यादा टाइम लगना होना तो फिर वो साथ नहीं रहता वो मेरे साथ तब जाता है जब मैंने बस ऐसे आना जाना करना हो यानी सामान लिया और उसके साथ ही वापस आ गई आज हमें काफ़ी टाइम लग जाना था बेटी ने शूज़ वग़ैरह लेने थे छोटे बेटे के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं तो हिसाब से सामान लेना था और थोड़ी बहुत चीज़ें मेरी भी थी, थी। तो हमें काफ़ी टाइम लग जाना था और मार्केट आके अगर कपड़ों और बर्तनों वाली शॉप पर ना जाए ना तो फिर आने का फ़ायदा ही क्या है कपड़े वैसे आज देखने का हमारा कोई इरादा नहीं था बर्तन था कि चलें देख लेंगे लेकिन यहाँ से हम गुजर रही थी ना तो बस इस शॉप में आ गई ये न्यू ओपन हुई है पहले भी यहाँ पे कपड़ों की थी बड़ा फ़ेमस ब्रांड है उसकी थी लेकिन वो शायद इतना अच्छा नहीं चला तो उसी की जगह पे अब इन्होंने इस तरह से स्टिच रख दी है ये टीन बच्चियों के भी थे और लेडीज़ साइज भी था इसमें काफ़ी वाइटी थी इनके पास और ये बता रहे थे कि हमारा स्टॉक आज ही आया है इसलिए काफ़ी सारे ऑप्शन भी थे तो बेटी अपने लिए देख रही थी उसे एक दो ड्रेस काफ़ी अच्छे लगे थे तो एक फिर मैंने उसके लिए लिया है एक अपने लिए लिया है काफ़ी रीज़नेबल थे तो मैंने फिर ले लिया उसके बाद भी हम एक दिन मार्केट गए हैं लेकिन इनमें से बहुत सारे सेल हो गए थे और मौसम जैसे अब चेंज हो रहा है ना तो इनके पास फैब्रिक उसी हिसाब से है विस्कोस विंटर कॉटन एक जो बारीक वाला खद्दर होता है वो है खदर तो खैरि नहीं पहना जाएगा लेकिन वो भी है इनके पास पार्टी वेयर में औरगेन्जा है और कुछ लॉन के ड्रेसेस भी थे लॉन के अलावा बाकी सब पे थर्टी से फोर्टी परसेंट ऑफ है इसीलिए प्राइसेस इतनी रिजनेबल थी और जो मैंने औरगेन्जा का बताया है ना आपको ये वाले ड्रेसेस हैं इसमें डिज़ाइन एक ही था लेकिन कलर डिफरेंट थे ये बहुत अच्छे हैं इनकी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग बहुत फ़ाइन थी और मैं सोच रही थी कि इतनी प्राइस में देने में इन्हें पता नहीं कैसे फ़ायदा है तो शायद इनके पास बहुत क्वांटिटी में बन रहे होते हैं ना तो इसलिए ये प्राइसेस फिर इन्हें सूट कर जाती हैं अगर हम ख़ुद ले कर बनाएँ और इस तरह से डिज़ाइनिंग करवाएँ तो ये बहुत महंगे पड़ जाएंगे क्योंकि आजकल एक सिंपल सूट की स्टिचिंग जो है ना वो अच्छी खासी है और ख़ासतौर पर अगर रेशमी हो फिर तो बहुत ज़्यादा है तो मेरे ख्याल में इस तरह से लेने में ज़्यादा फ़ायदा है काफ़ी रश था इनके पास और जब मैं दूसरी बार गई हूँ ना तो वो सारे ड्रेसेस जो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं और ले लेने चाहिए वो तकरीबन नहीं थे खैर हमने तो जो लेने थे वो पहले ही ले लिए थे और उसके बाद हम आ गए थे शूज़ वाली शॉप पे क्योंकि बेटी ने अपने स्कूल शूज़ लेने थे यहाँ पे बड़ी खपाई हुई है हमें काफ़ी टाइम लग गया था बेटी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था और आजकल के बच्चों को भाई बड़ा पता है इन्हें स्कूल शूज़ में भी वैरायटी चाहिए हमें तो अपने टाइम में इतनी समझ ही नहीं थी नंबर बता देते थे और अबू शाम को घर आते हुए शूज़ ले आते थे ख़ासतौर पे अगर स्कूल वाले लेने होते थे ना तो फिर याद नहीं पड़ता कि कभी साथ गए होंगे बहुत कम ऐसे होता था एक मखसूस डिज़ाइन था तकरीबन सब बच्चों ने वही पहने होते थे आज भी मैंने वो बहुत सारे बच्चों को पहने हुए देखा है शूज़ का बड़ा फेमस ब्रांड है वहाँ से मिलते हैं बाटा से मिलते हैं आगे से गोल होते हैं ऊपर एक स्ट्रिप है और चिपक के साथ बंद होते हैं ना वो वाले और अगर बहुत कुछ डिफरेंट करना होता था, था ना तो फिर जॉगर से लेते थे लेकिन आजकल के बच्चों को साथ भी जाना है फिर शॉप पे जाके बताते भी हैं कि इस तरह के चाहिए फलां बच्चे ने ये पहने हुए थे वो ले के आएँ जो शॉप वाले भाई हैं ना वो भी इनकी बातें सुन के हंस रहे थे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे दूसरे बच्चों से भी सीखते हैं क्योंकि क्लास में अगर चालीस पचास बच्चे हैं तो उनमें आठ दस बच्चों के शूज़ तो डिफरेंट तरह के होंगे ना तो इस तरह देखने से भी फिर पता चल जाता है तो खैर शूज़ हमने ले लिए थे उसके बाद फिर ये ज्वलरी वाली शॉप पर आए यहाँ से बेटी के लिए छोटे वाले टॉप्स लेने थे मैं जब भी मार्केट आती हूँ ना तो इसके लिए दो तीन पेयर ले के जाती हूँ ये क्या करती है कि जब कंगी करती है ना तो ऐसे फंसा के बाहर निकाल फेंकती है ना कि टॉप्स कहाँ हैं उसका जो स्टॉपर कोली है ना वो किधर है कोई खबर नहीं है तो आज खुद साथ आई थी तो कह रही थी कि मैंने खुद देख के लेने हैं तो बस यहाँ से बोलेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे सेल वाली एक न्यू शॉप है वहाँ पर हम गए थे और ये नाइन्टी रुपीज़ वाली सेल है इस शॉप को चौकाज़म में बने हुए तकरीबन एक महीना हो गया है काफ़ी रश होता है यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं बस कुछ अच्छी हैं कुछ नॉर्मल हैं बच्चों के जो टॉय वगैरह हैं ना वो ठीक हैं बाकी कुछ खास नहीं है स्टील और प्लास्टिक के बर्तन हैं जो स्टील के हैं वो बहुत हल्के हैं लेकिन ये है कि इस्तेमाल के काबिल हैं यानी उनका कोई नुकसान तो नहीं है ना और जो प्लास्टिक है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है यानी इस्तेमाल के काबिल मुझे तो नहीं लगती जो बास्किट वग़ैरह है ना ऐसे सब्ज़ी वगैरह के लिए वो फिर भी ठीक है बाकी कुछ खास नहीं है वैसे है यहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ है तो इसलिए रश होता है बच्चों का बड़ों का सभी देखने के लिए आते हैं और अभी कुछ नई नई भी बनी है ना तो इसलिए भी लोगों का आना जाना थोड़ा ज़्यादा है तो बस उसके बाद हम घर वापस आ गए थे आके मैंने बच्चों को खाना वगैरह दिया लेकिन व्लॉग नहीं बनाया था और ये है जी नेक्स्ट डे आज पीछे के सहन में जो स्टोर है ना इसकी सफ़ाई होनी है बेसिकली ये एक ग्रीस किचन है लेकिन इतना इस्तेमाल में नहीं है सर्दियों में अगर मौसम ख़राब है ना तो फिर बारबेक्यू वग़ैरह के लिए हम यूज़ कर लेते हैं वैसे नहीं करते तो जो एक्स्ट्रा घर का सारा सामान है ना वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और इसकी सफाई का ये हिसाब है कि जब एक बार साफ़ हो जाता है ना फिर तो हम साथ साथ साफ़ करते रहते हैं इसे लेकिन जब आंधी आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है ना फिर हम इसे छोड़ देते हैं फिर ये ख़राब होता 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 इतना हो जाता है कि जिस दिन यहाँ की सफाई होती है ना उस दिन तकरीबन डेढ़ दो घंटे लग जाते हैं तो बस आज उच अच्छी तरह साफ़ किया है और जो पुराने कपड़े थे ना वो फिर हेल्पर ने ऊपर डाल दिए थे कि चलें कुछ बचत हो जाएगी तो बस उसके बाद ये एक कम्फर्टर मेरे पास पड़ा था पिछले साल का है ये तो उस वक्त मैंने कवर वॉश करवा के स्टिच करा लिया था लेकिन इसके जो अंदर का क्रिस्टल है ना वो भी इतना साफ़ नहीं था तब जो मासी स्टिच कर रही थी मैंने उन्हें कहा कि पहले हम क्रिस्टल धो लेते हैं एक दो दिन में सूख जाएगा तो फिर आप मुझे सिलाई कर दें तो वो कहती हैं कि नहीं अभी फ़िलहाल ठीक है जब आपने दोबारा कराना होगा ना तो फिर मैं क्रिस्टल भी धो दूँगी तो खैर मैंने ऐसे ही इसे स्टिच करवा के रख लिया लेकिन तब से मुझे ये था कि जब मैंने ये दोबारा यूज़ करना है ना तो इसको धोना ज़रूरी है तो आज थोड़ा टाइम था घर का काम वगैरह सारा हो गया था मैंने हेल्पर से मंगवाया और इसकी स्टिचिंग खोलना शुरू की कि इसको धो लेते हैं लेकिन जब मैंने थोड़ा सा खोला है ना तो फिर मेरे जहन में आया कि ये कौन सा इतना हैवी है ये तो ऐसे भी आसानी से धुल सकता है तो बस फिर मैंने गैराज के अंदर इसे अच्छी तरह बिछाया है ऊपर पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सर्फ डाला है और ब्रश मार के हमने अच्छी तरह धो लिया है जल्दी धुल गया था तकरीबन हमें कोई एक घंटा लगा होगा तो फिर पाइप लगा के ना खुले पानी के साथ मैंने इसे अच्छी तरह धोया है और फिर यहीं पे फैला दिया था सुबह के टाइम इस साइड पे धूप होती है ना तो मैं इधर मैंने डाल दिया है और शाम के टाइम पिछले सैन में धूप होती है तो फिर मैं उतार के उधर डाल देती थी ऐसे तकरीबन दो तीन दिन ना मैंने इसे अच्छी तरह धूप लगवाई है और फिर मैंने इसे रखा है और कोई भी काम है ना वो शुरू करना ही मुश्किल होता है मुझे तकरीबन दो हफ़्ते हो गए थे मैं सोच रही थी कि, कि कम्फर्टर धोना है लेकिन मुश्किल लग रहा था आज जब मैंने किया है ना तो फिर बाद में मुझे लगा कि ये तो कोई काम ही नहीं था मैंने ऐसे ही पेंडिंग किया हुआ था तो बस उसके बाद फिर सेहन भी साथ ही धो लिया था वाइपर मैंने अच्छी तरह लगा दिया क्योंकि बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया था वो फिर पूरे सेहन में घूमते हैं ना तो मैस करते हैं तो मैंने फिर अच्छी तरह दो तीन बार वाइपर लगा दिया था और इस तरह का कोई भी काम होना वो मैं हेल्पर के साथ करवाती हूँ थोड़ी उसकी भी हेल्प हो जाती है और वैसे भी वो मुझे ख़ुद भी कहती है ना कि आप बेशक काम ना करवाया करें मेरे पास बैठ जाया करें तो मैं फिर पास ज़रूर ऐसे फ्री में बैठना है तो मैं साथ में काम ही फिर करवा देती हूँ और इन दी एंड घर हमारा अपना है और हमने खुद ही देखना है कि इसे कैसे सेट रखना है मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जहाँ हेल्पर को डबल पे किया जा रहा होता है लेकिन घर फिर भी ऑर्गेनाइज नहीं होता उसकी वजह यही है कि हम साथ खुद कुछ नहीं कर रहे होते तो खैर आज शाम का खाना मैंने नहीं बनाया था अम्मी की तरफ़ से कड़ी पकौड़े आ गए थे और बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था यही हमारा रात का खाना हो गया था तो बस ये था जी मेरा आज का ब्लॉग लेज़ी इवनिंग एंड फास्ट फॉरवर्ड मॉर्निंग तो बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आप देख सकें आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़